है, वो क्वेश्चन मार्क आज परमात्मा के जन्म कल्याण के दिन हम सबको पूछना है। तो नंबर एक, पूर्व के तीसरे भूमि में भगवान ने जगत कल्याण की भावना रखी और जगत कल्याण की भावना से कर्म प्रकृति ने भगवान को एक ऐसी ताकत दे दी, तीर्थंकर नाम क्रम दे दिया कि आपका जन्म होते वक्त ही, जन्म नहीं चवन होने से ही सारे जगत के जीवों को एक आनंद सुख मस्ती और कल्याण की अनुभूति होगी और भगवान का जन्म हुआ। आज के दिन 2600 से ज्यादा साल के पहले भगवान महावीर ने आज त्रिशला की कोख से जन्म लिया। पूर्व के तीसरे भूमि में भगवान के बाद जगत कल्याण था और चार भगवान इस जीवन में आए और फिर वो भगवान ने जो साधना की भावना थी जगत कल्याण की, मगर साधना थी आत्म कल्याण की। जगत का कल्याण करने की ताकत चाहे परमात्मा ने कितनी भी हो, मगर आज तक जगत का कल्याण इसलिए नहीं हुआ कि हमने परमात्मा को सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। जगत कल्याण की भावना और आत्म कल्याण की साधना दो चीज भगवान के साथ थी और ये दोनों चीजों के बाद वैशाख शुद्ध दशम के दिन भगवान ने जब केवल अन्न की प्राप्ति की और वैशाख शुद्ध ग्यारस के दिन तीर्थ की स्थापना की, तब परमात्मा ने जो देशना दी वो देशना में था मानव कल्याण। भले ही लगता है कि त्रिन जो भी परमात्मा की देशना में थे, मगर सर्व पाप से मुक्त होकर के, सर्व दोष सर्व कर्म से मुक्त होकर के मोक्ष में जाने की जो योग्यता है वो सिर्फ और सिर्फ मानव के पास थी। इसलिए भगवान के जीवन को तीन क्षेत्र में बांट सकते हैं, जगत कल्याण की भावना, आत्म कल्याण की साधना और मानव कल्याण की देशना। मैं देशना की बात में मानव कल्याण इसलिए नहीं कहना, इसलिए कहना चाहता हूं कि मानव ही भगवान की हर बात को इम्प्लीमेंट करने की क्षमता रखता है। तो भगवान का केवल नाम हमारे लिए सम्यक ज्ञान का कारण बन गया। तीर्थ की स्थापना की और भगवान ने नव तत्व बताए, चौदराज लोक की व्यवस्था बताई, हमारे आत्मा की व्यवस्था बताई और ये सम्यक ज्ञान अंतर में पैदा हुआ और हम आराधना के मार्ग पर डट के आगे चले। कोई पूछे आज सम्यक ज्ञान के पद में भगवान से हम मांगेंगे तो क्या मांगे, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी पास है भी तो क्या। हम तीन क्षेत्र में कमजोर हैं, एक हम कैदी है। आप जेल में कम तो गया नहीं मैं कभी, मगर जेल में जाने वाले कैदी के पास पूछो तो उनके पास और कुछ नहीं होता है, टाइम लिमिट है, तब तक वो जेल से निकल नहीं पाएगा। मगर कभी भी देखो इनके चेहरे पे शायद मुस्कान नहीं होगी, उनकी आंख में आंसू होंगे। कैदी कैद में रोता है, हम भी तो कर्म की कैद में है, दोष की कैद में है, दुर्बुद्धि की कैद में है, दुख की कैद में है। तो भगवान से हम कहते भगवान आपके चरण में मेरे पास रखने के लिए एक पूंजी है और वो है आंसू। नंबर दो, हॉस्पिटल में जो मरीज है बहुत बड़ा दर्द उनके शरीर में होता है और डॉक्टर के पास जब जाता है या तो डॉक्टर मरीज के पास आता है तो मरीज के पास पूछो तेरे पास क्या है, वो मिलेगा मेरे पास सिर्फ आंसू है। कैदी के पास आंसू है, मरीज के पास आंसू है रोग का, हमारे पास भी एक आंसू है। भगवान इतने साल के बाद मेरे जीवन में से जो दोष खत्म होने चाहिए वो दोष बिल्कुल एज इट इज लगते हैं, वही लोग वही वासना वही कषाय, इनके लिए हमारी आंख में भी आंसू हो सकते हैं। कैदी की आंख में आंसू है, मरीज की आंख में आंसू है और एक आंसू है जो पालने में सोया हुआ बेटा अपनी माँ थोड़ी दूर है, वो चाहता है, वो भूखा है और माँ को बुलाना चाहता है। कमजोर तो इतना है कि उनके सर पे यदि कोई कौवा बैठ जाए और आंख फूट डाले अपने हाथ से कौवे को उड़ा सकने की भी क्षमता उनके पास नहीं है, फिर भी बहुत दूर बैठी हुई माँ को वो बुला सकता है। एक ही ताकत है, वो रोता है, उनकी आंसू उनकी रोने की आवाज सुनने के बाद माँ दौड़ते दौड़ते उनके पास आती है। तो दो चीज हुई, तीन चीज हुई,
कैदी रोता है, मरीज रोता है और बालक रोता है, तीनों के पास आंसू है। कैदी के आंसू में भी पॉसिबल उनको कैद से मुक्त कर दे, मरीज के आंसू में भी पॉसिबल उनको रोग से मुक्त कर दे, और बालक की आंख में आंसू में भी पॉसिबल इनकी भूख को शांत कर दे। तो हम कैदी है कर्म के, मरीज है दोषों के, और बालक कैसे है, हम असहाय है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, भगवान मेरी कोई सहाय नहीं है, आप ही मेरे लिए माँ बन के आ सकते हो। गौतम स्वामी ने रूप भगवान के साथ रह करके कितनी भी साधना की, मगर तब तक केवल नाम की प्राप्ति नहीं हुई। और जैसे भगवान के निर्वाण के बाद भगवान गौतम स्वामी की आंख में आंसू आए, और वही आंसू से उनको केवल नाम की प्राप्ति हो चुकी। आज